Hey, what's up YouTube family? I hope everyone is good. So welcome back to my channel, Film Fitness Era. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो आज आपने टाइटल देख लिया होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा. आज बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग कि पांच ऐसा क्या चीज है जिससे हम अपने बाइसेप्स का पीक को बड़ा कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि उनको बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लाइक उनको टी शर्ट पहनना. तो उनमें क्या देखा जाता है कि उनके टी शर्ट टाइट हो रहे हैं या नहीं. उसके लिए आपका पिक को बड़ा होना बहुत जरूरी है. तो हम आपको आज पांच ऐसे चीज बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, जिससे आपका बाइसेप्स का पिक बड़ा हो जाए. तो अभी आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. अभी आप चाहते हो कि हमारा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वॉच द वीडियो टिल देन. नाउ वी विल बैक. तो सबसे पहले ना आपको समझना होगा कि बाइसेप्स के अंदर होते हैं दो मसल्स, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड. हमारा जो शॉर्ट हेड होता है वो एक्चुअली में ना जो हमारा बाइसेप्स का मसल होता है ना वो इंटरनली ब्रोकन होता है. लाइक हमारा शॉर्ट हेड इधर होता है, लॉन्ग हेड इसको बोलते हैं. तो देखो बाइसेप्स का पिक तभी ग्रो करेगा जब आपका दोनों मसल्स लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जब दोनों ग्रो करेगा तब आपका जो बाइसेप्स का पिक है वो बड़ा हो. तो हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करके अभी आपको बताता हूँ जिससे आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों ट्रेन. तो हम अभी आपको एक्सरसाइज करके बताता हूँ, आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे इंक्लाइन पे लगाएंगे. इसमें देखो क्या होता है ना कि जब हम अपने हाथ को पूरा ये एक्सटेंड करेंगे नीचे फिर हम पूरा स्क्विश करेंगे तो इससे क्या होगा हमारा जो पिक का है ना मसल उस पर मसल टेंशन आएगा ये इस तरीके से. अब वो करके बताता हूं लाइक ये इस तरीके से. अब इसमें क्या है कि आपको कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना होगा. लाइक कि जब आप नीचे जाते हो और जब आप ऊपर पूरे स्क्वीज करते हो तो ऊपर दो तीन सेकेंड होल्ड करना ताकि मसल का जो टेंशन है वो अच्छे तरीके से आपका जो पिक है उस पर आ सके. तो हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज होगा वो हम लगाएंगे प्रीचर्ड कर लगाएंगे. और जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज मेनली हमारा पिक के लिए है जिसमें हम लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों को ट्रेन कर रहा हूँ जिससे हमारा जो बाइसेप्स का पिक है वो अच्छे से ग्रो कर पाए. तो हम प्रीचर कट्स को अच्छे से इस तरीके से पूरा नीचे एक्सटेंड करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से इसको रिलीज करेंगे फिर पूरा स्क्वीज करेंगे. इस तरीके से आप प्रीचर कर्ल को करना, इससे आप देखना आपके बाइसेप्स में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा. बस आपको फोम सही लगाना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हाफ लगा रहे या फिर फूल भी लगा रहे जिसमें पूरा ऊपर नीचे फास्ट कर रहे, ऐसा नहीं है. आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हो किसी भी पार्ट का तो आपका मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए. जो तीसरा एक्सरसाइज होगा वो हम लगाएंगे हैमर कर्ल लगाएंगे. बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मैं देखता हूं उनको हैमर कर्ल वो लाइक ऐसे लगाते हैं कुछ ऐसे, मतलब उनको जैसे मन होता है वैसे लगाते हैं. देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, सबका अपना अलग अलग टेक्निक है. बट मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सही फॉर्म से लगाओगे तो जो मसल्स को ग्रो करने में ज्यादा टाइम लग रहा वो आपका सही फॉर्म से भी लगाओगे तो वो मसल्स जल्दी ग्रो करेगा. तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि आपका जो मसल जिस मसल का आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस भी पार्ट का ट्रेन कर रहे हो उस मसल को सही तरीके से हिट करना और मसल टेंशन लाइक आपका फॉर्म सही होना चाहिए. तो हम लगाएंगे अभी हैमर इस तरीके से पूरा नीचे तक हाथ को रिलीज करेंगे फिर पूरा ऊपर स्क्वीज करेंगे. जब आप इस तरीके से
सही फोम के साथ यदि लगाओगे आप, तो आप देखना कि आपका जो बाइसेप्स का मसल्स है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। तो सबसे मेन जो हमारा चीज है ओवरऑल की बात करें कि आपका लगाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। पिक का जो मैंने मेन एक्सरसाइज है जिससे आपका पिक ग्रो कर सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज करके मैंने दिखाया, आप भी इस चीज को फॉलो कर लो। अब हमारा जो चौथा बात आता है वो सबसे मेन ये बात है कि देखो बाइसेप्स का जो हमारा है ना छोटा मसल्स होता है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि वीक में इसको दो दिन ट्रेन करने को, सप्ताह में जब आप दो दिन इसको ट्रेन करोगे तो ऐसा भी नहीं कि आज मंडे को हमने बाइसेप्स लगाया फिर कल ट्यूजडे को लगाया, नहीं, कम से कम आपका 72 आवर्स का गैप होना चाहिए। लाइक अगर आपने मंडे को यदि बाइसेप्स आपने ट्रेन करा तो आप फ्राइडे को सैटरडे को आप फिर से ट्रेन कर सकते हो, और आपको अधिक पिक को या फिर बाइसेप्स का मसल्स को जो आपको बढ़ाना है तो आप सप्ताह में दो दिन जरूर ट्रेन करना, क्योंकि हमारा एक छोटा मसल्स होता है तो बहुत ही जल्दी मतलब ये रिकवर हो जाता है। तो जब आप इसको आपने एक्सरसाइज करा, आपने अच्छे से डाइट लेना, जब ये मसल्स रिकवर हो जाएगा आपका लाइक 72 आवर्स में फिर से आप ट्रेन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका मसल्स जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि जो बड़े मसल्स होते हैं लाइक थाइस का हो गया, बैक का हो गया, चेस्ट का हो गया, तो इन सबको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, बट बाइसेप्स छोटा मसल्स होता है तो इसको रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इसको दो दिन भी ट्रेन कर सकते हो, और बाइसेप्स का साइज ना बिग तभी दिखता है, लाइक देखो आप देख सकते हो कि जितना हमारा बाइसेप्स है ना उतना हमारा नीचे ट्राइसेप्स भी है, लाइक आप देख सकते हो। तो बाइसेप्स के साथ साथ जब आप ट्राइसेप भी ट्रेन करोगे अच्छे तरीके से तो आपका ओवरऑल बाइसेप्स का साइज बिग दिखेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अभी वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपका अपना ही चैनल है तो आप लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपका लाइक वीडियो कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे सिंह फिटनेस एरा का पेज पे जाकर आप डीएम कर सकते हो, वहां से आपको जो भी क्वेरी होगा उसका डील किया जाएगा। और यदि आपको किसी से रिलेटेड भी मतलब लाइक फिटनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना और डीएम करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार आपको जो वीडियो चाहिए वो मैं लेकर आऊं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज बिना एक्सरसाइज किए हुए इतने बढ़िया पाऊं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।